हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम करने जा रहे हैं क्लास फोर्थ का लेसन 13। आज बेटा हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स और वर्ड मीनिंग करने वाले हैं। देखिए, इसमें हमारा एक वर्ड आया जॉब, JOB, जॉब। एक वर्ड इसमें हमारा आया पेंट, PAINT, पेंट। एक वर्ड था बेटा इसमें फैंस, एक वर्ड है बेटा इसमें फैंस, FENCE, फैंस। एक वर्ड है इसमें हमारा नेबरहुड, NEIGHBOUR HOOD, नेबरहुड। नेक्स्ट देखिए बेटा, एक इसमें है लाफिंग, LAUGHING, लाफिंग। एक वर्ड है बेटा इसमें ब्रश, BRUSH, ब्रश। एक वर्ड है बेटा इसमें अगेन, AGAIN, अगेन। एक वर्ड है बेटा इसमें स्विमिंग, SWIMMING, स्विमिंग। एक वर्ड है इसमें क्लाइमिंग, CLIMBING, क्लाइमिंग। एक वर्ड है बेटा इसमें कैरिंग, CARRYING, कैरिंग। एक वर्ड है बेटा इसमें ग्रोसरीज, GROCERIES, ग्रोसरीज। एक वर्ड है बेटा इसमें सॉरी, SORRY, सॉरी। नेक्स्ट वर्ड है फिनिश्ड, FINISHED, फिनिश्ड। एक वर्ड है बेटा इसमें क्विकली, QUICKLY, क्विकली। एक वर्ड है इसमें वॉच्ड, WATCHED, वॉच्ड। आगे देखिए बेटा, एक वर्ड है इसमें वॉक, WALK, वॉक। नेक्स्ट वर्ड है बेटा इसमें स्ट्रीट, STREET, स्ट्रीट। एक वर्ड देखिए बेटा इसमें है बोर्ड, BORED, बोर्ड। एक वर्ड है बेटा इसमें HEARD, हीयर्ड। एक वर्ड है बेटा इसमें प्रटेंडिंग, PRETENDING, प्रटेंडिंग। एक वर्ड है इसमें एरोप्लेन, AEROPLANE, एरोप्लेन। एक वर्ड है बेटा इसमें नॉइसेस, NOISES, नॉइसेस। एक वर्ड है बेटा इसमें टुडे, TODAY,
एक वर्ड है इसमें बिलीव, बी ई एल आई ई वी ई, बिलीव। एक वर्ड है बेटा इसमें कॉन्टीन्यूड, सी ओ एन टी आई एन यू ई डी, कॉन्टीन्यूड। एक वर्ड है बेटा इसमें एंड्रयू, ए एन डी आर ई डब्ल्यू, एंड्रयू। एक वर्ड है बेटा इसमें ब्लंडर, बी एल यू एन डी ई आर, ब्लंडर। एक वर्ड है बेटा इसमें कॉम्प्लिकेशन, सी ओ एम पी एल आई सी ए टी आई ओ एन एस, कॉम्प्लिकेशंस। एक वर्ड है बेटा इसमें हमारा नेबरहुड, एन ई आई जी एच बी ओ यू आर एच डबल ओ डी, नेबरहुड। एक वर्ड है बेटा इसमें हमारा सिग्निफिकेंट, एस आई जी एन आई एफ आई सी ए एन टी, सिग्निफिकेंट। आगे देखिए बेटा इसके वर्ड मीनिंग। बॉय, बॉय का मतलब होता है लड़का। बिग, बिग का मतलब बड़ा। लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब लंबा। हॉट डे का मतलब गर्म दिन। एवरीवन, एवरीवन का मतलब हर कोई। सम, सम का मतलब कुछ। अगेन, अगेन का मतलब दोबारा। अबाउट, अबाउट का मतलब के बारे में। थिंग्स, थिंग्स का मतलब होता है वस्तुएं। राइट, राइट का मतलब सही। ट्री, ट्री का मतलब बेटा होता है पेड़। फ्रेंड, फ्रेंड का मतलब दोस्त या मित्र। हेल्प, हेल्प का मतलब हमारा होता है सहायता। सॉरी, सॉरी का मतलब होता है बेटा माफ़ी। आगे देखिए, लंच, लंच का मतलब होता है दोपहर का खाना। इसी तरीके से बेटा होम, होम का मतलब घर। क्विकली, क्विकली का मतलब होता है जल्दी। स्ट्रीट, स्ट्रीट का मतलब सड़क। सून, सून का मतलब जल्दी। बिलीव, बिलीव का मतलब विश्वास। लिटल, लिटल का मतलब छोटा। क्राई, क्राई का मतलब रोना। डे, डे का मतलब दिन। माय, माय का मतलब मेरा। प्रोमिस, प्रोमिस का मतलब वादा। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का मतलब बच्चे। डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट का मतलब मुश्किल। अब देखिए बेटा इसके क्वेश्चन आंसर्स। आप देखिए बेटा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु केम फर्स्ट नियर द फेंस, डिड ही हेल्प टॉम सैयर। सबसे पहले फेंस के पास कौन आया था, क्या उसने टॉम सैयर की हेल्प की थी। जिम केम नियर द फेंस फर्स्ट, सबसे पहले कौन आया था, जिम। ही डिड नॉट हेल्प टॉम सैयर, नहीं उसने टॉम सैयर की मदद तो की ही नहीं थी। हमने भी जब ये स्टोरी पढ़ी थी तो हमने देखा था ना कि सबसे पहले टॉम सैयर के पास कौन आता है, जिम आता है। और टॉम उसको क्या बोलता है, वो उसको ये बोलता है कि तुम मेरी हेल्प कर दो और ये जो ग्रोसरीज है ये मैं तुम्हारे पहुँचा दूँगा। इस पर जिम क्या कहता है, नहीं नहीं मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। तो जो जिम था सबसे पहले वही टॉम के पास आया था और उसने
टॉम की कोई भी हेल्प नहीं की थी। इसी तरीके से आगे देखिए बेटा, डिड टॉम ऑफर टू हेल्प हिम। टॉम ऑफर टू कैरी ग्रोसरीज फॉर जिम इफ ही कुड पेंट फेंस फॉर हिम। टॉम ने उसे क्या ऑफर किया था? टॉम ने उसे यही तो ऑफर किया था कि जो तुम्हारी ग्रोसरीज है, जो तुम्हारी सब्जियां हैं, इनको तो मैं दे आऊँगा और तुम क्या कर दो, मेरा फेंस पेंट कर दो। यही तो बात टॉम ने बोली थी ना, क्योंकि वो पेंट करने से बचना चाहता था। आगे देखिए बेटा, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वॉज बेन प्रटेंडिंग टू बी, वेयर वॉज ही प्लानिंग टू गो। देखिए बेटा, बेन वॉज प्रटेंडिंग टू बी एन एरोप्लेन। जो बेन था उसका फ्रेंड, वो किस तरह की आवाज़ें निकाल रहा था, हमें पता था ना, वो एरोप्लेन की साउंड्स निकाल रहा था। ही वॉज गोइंग टू द स्विमिंग पूल, और वो कहाँ जा रहा था, स्विमिंग पूल पर जा रहा था। उसने ऑफ़र भी किया था, किसको ऑफ़र किया था, उसने टॉम को ऑफ़र किया था कि वो भी स्विमिंग के लिए चला जाए। देखिए नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, टूवर्ड्स द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन डस टॉम कन्वेंस बेन रोजर्स टू पेंट द फेंस, इफ येस हाउ नो। बाय द एंड टॉम डजंट मैनेज टू कन्वेंस बेन टू पेंट द फेंस, बट ही डज मैनेज टू अट्रैक्ट बेन्स माइंड towards painting the fence being a task of fun। अब इसमें क्या हुआ था कि नहीं, वैसे तो वो बेन को अट्रैक्ट नहीं कर पाया था, नहीं मना पाया था कि वो फेंस को पेंट कर दे, पर उसने क्या कर दिया था, लेकिन वो किस चीज़ में कामयाब हो गया था, उसका माइंड अट्रैक्ट करने में। क्योंकि मैंने बताया था ना, उसने फैंस को क्या कहा था कि ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसे तो सिर्फ मैं ही करने दूंगा, मैं ही करूंगा, और मैं ये किसी को भी करने नहीं दूंगा। और ऐसा काम थोड़ी ना रोज़ रोज़ करने को मिलता है। तो उसने क्या किया था, उसने बेन का जो माइंड था वो फैंस की तरफ अट्रैक्ट कर दिया था, जिससे जो बेन था वो ये सोच रहा था ये काम वास्तव में ही बहुत ही मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है। तो अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड बेन रोजर्ड ऑफर टॉम सैयर टू अलो हिम टू पेंट द फेंस। बेन ऑफर्ड इज होल ऑफ कैंडी बार टू टॉम। बेन ने क्या किया था, उसको पूरी की पूरी कैंडी बार दे दी थी टू लेट हिम। और देखो, क्योंकि वो जो टॉम था वो बहुत ही होशियार बच्चा था, बहुत ही चालाक बच्चा था, उसने ये कहा था ना कि ये काम तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं किसी को नहीं करने दूंगा, तो बेन को ये लगा कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है और टॉम उसको ये काम करने दे, इसलिए उसने अपनी पूरी की पूरी कैंडी बार किसको दे दी थी, टॉम को दे दी थी। आगे देखिए बेटा, पेंट द फेंस, ये तो मैं बता ही चुकी हूँ कि उसने उसको पेंट करने के लिए क्या दी थी, बेन ने उसे पूरी की पूरी कैंडी बार दे दी थी। आगे देखिए बेटा, डिड एनी वन एल्स कम टू पेंट द फेंस, व्हाट ऑल ऑब्जेक्ट डिड दे गिव टॉम। अब जब और बच्चे वहाँ पर आ गए थे उसको पेंट करने के लिए, तो उन्होंने क्या क्या चीज़ें टॉम को दी थी, अ लॉट ऑफ किड्स From the neighborhood came to paint the fence. They gave Tom an apple, a broken watch, a small radio, a baseball bat, and a saucer bowl. दोबारा देखिए बेटा, a lot of kids from the neighborhood came to paint the fence. They gave Tom an apple, a broken watch, a small radio, a baseball bat, and saucer bowl.
अब उन्होंने उसको क्या दिया था। बाकी बच्चे भी वहाँ पर आ गए थे क्योंकि बाकी बच्चों को भी लगा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम है और टॉम उनको ये काम करने दे। इसीलिए सब ने उनके पास जो जो भी सामान था वो उन्होंने किसको दे दिया था, टॉम को दे दिया था। और अब टॉम के पास बहुत ज़्यादा सामान हो गया था। उसके पास एक एप्पल हो गया था, एक टूटी हुई वॉच हो गई थी, एक छोटा रेडियो हो गया था, एक बेसबॉल बैट हो गया था और एक सॉसर बॉल हो गई थी। अब उसके पास ये सारी चीज़ें हो गई थी और वो बड़े मज़े से वहाँ पर खड़ा था और इन चीज़ों का इंजॉय ले रहा था। और बाकी काम कौन कर रहे थे, वो सभी के सभी बच्चे कर रहे थे जिन्हें ये सब काम करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था क्योंकि उन्हें लग रहा था ये तो बहुत इंटरेस्टिंग काम है। क्योंकि ऐसे तो टॉम की मदद कोई कर नहीं रहा था तो उसने बड़ी चालाकी से काम किया। उसने क्या दिखाया कि ऐसा काम रोज़ रोज़ करने को नहीं मिलता। और जो मिसेस स्मिथ हैं उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ ये काम मुझे करने के लिए दिया है और ये काम मैं किसी को नहीं करने दूंगा। तो आप भी होते हो ना कि कोई आपके साथ खेले या फिर कुछ करे तो आप इस तरीके की चलाकियाँ करते हो। तो ऐसी ही चलाकियाँ उस टॉम ने भी की थी अपने काम के लिए, जिससे उसका काम पूरा भी हो गया था। तो अब आपको करना क्या है बेटा, इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स, वर्ड मीनिंग और ये क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में लिखने भी हैं और लर्न भी करने हैं। और आप इनको सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखेंगे बेटा, बिल्कुल अच्छा अच्छा लिखेंगे और अच्छा अच्छा इनको लर्न भी करेंगे बेटा। आपको आई होप ये अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो सुंदर सुंदर लिखिएगा, अच्छा अच्छा लिखिएगा नोटबुक के ऊपर। देखिए इसमें जो टॉम था कितना अच्छा और चालाक बच्चा दिखा रखा है। पहले तो देखो उसकी कोई मदद करता ही नहीं है, फिर वो क्या कह देता है, बड़ा इंटरेस्टिंग काम है, इसे करने में तो बहुत मज़ा आता है। क्योंकि वो क्या देख रहा होता है, उसके चारों तरफ के बच्चे इंजॉय कर रहे होते हैं और वो फेंस को पेंट कर रहा होता है। तो वो एक चलाकी खेलता है जिससे कि उसका काम ये ईजीली हो जाए। तो अब आपको ये लेसन के डिफ़िकल्ट वर्ड, वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर्स नोटबुक में लिखने हैं और लर्न भी करने हैं बेटा, साफ साफ राइटिंग में लिखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।